तो गाइस ये टाइप सी से टाइप सी कनेक्ट कर दिए। E7 का डाटा लैपटॉप में कॉपी करेंगे, देखेंगे कितनी स्पीड आती है। देखो शुरू हो गया गाइस, अब देखेंगे कितनी स्पीड में होता है। SSD से SSD में ट्रांसफर हो रहा है, तब भी गाइस 400 से ज्यादा स्पीड नहीं आ रही।